जेपी के पुण्यतिथि पर छपरा के सिताब दियारा में होगी गृह मंत्री का आगमन। इसकी तैयारी को लेकर जिला स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोजित जेपी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया आग्रह। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश जेपी के शिष्य हैं और आज तक उनका पुण्यतिथि नहीं मनाया। अमनौर सारण, लालू नीतीश जेपी के शिष्य होने के बाद भी आज तक पुण्यतिथि नहीं मनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री के आगमन के डर से 24 घंटा में सिताब दियारा जाने की घोषणा करते हैं। उनका डर है कि नहीं जाएंगे तो उस क्षेत्र से हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अमनौर के विश्व प्रभा केंद्र में आयोजित भाजपा पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि छपरा के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित है। इस मौके पे देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर उन्होंने कार्यकर्ता को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा कि कार्यक्रम को लेकर माहौल उत्सव जैसा बनना चाहिए। आप सभी से सारण में जिस तरह से माहौल बनाया है, मुख्यमंत्री जी उस डर से सिताब दियारा हाजिरी बनाने जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पे कटाक्ष करते हुए कहा कि 11 तारीख को आने में उन्हें क्या डर है। यह कार्यक्रम सरकारी स्तर पे आयोजित है, उनको इसमें शामिल होना चाहिए। शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उस दिन इनके पीछे कोई दिखेगा ही नहीं, इसके लिए उस दिन वो नागालैंड जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि संख्या बल के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह व जोगी जी का हेलीकॉप्टर अगर जंगल में भी उतर जाए तो 20 से 30 हज़ार लोगों की इसी तरह से भीड़ उमड़ जाती है। कार्यकर्ताओं को 2025 के चुनाव के लिए अभी से लग जाने को आग्रह किया। जिस हिसाब से हम लोग सारण में काम किया है उस हिसाब से हमें सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सारण प्रमंडल में 24 सीट है, हर हाल में हम लोगों को यहाँ 20 विधायक होना चाहिए। 2 वर्ष का समय है, अपनी मेहनत के बदौलत बिहार में भाजपा की सरकार हो यह तय हो सके। बैठक में जिला स्तर के सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, अन्य प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने, जबकि मंच संचालन धर्मेंद्र सिंह धन्यवाद, ज्ञापन मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। इस मौके पे राज्य के सभा सदस्य शंभु शरण पटेल, पूर्व सांसद जनक चमार, ओम प्रकाश यादव, भाजपा विधायक संजय सिंह, डॉक्टर सी एन गुप्ता, मंटू सिंह, पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी, विनय सिंह, पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, विजय सिंह, सुदीश सिंह, नेहा यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। 29 सीट लड़े थे और 26 सीट जीते थे और आपसे सबसे सस्ता कार्यकर्ता है। तो हम चाहेंगे कि कमिश्नरी का मुझको अभी एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, 24 में कम से कम 20 सीट का योगदान 2025 में भाजपा का रहे, इस लक्ष्य से आप सबको काम करना है। 2025 में हर हालत में 20 विधायक सारण प्रमंडल से होना चाहिए और यह आज से आप तय कीजिएगा। 2 साल मेहनत करिएगा, सांसद आप हमेशा बनाते रहे हैं लेकिन 25 में अपनी सरकार भी बनानी है, भाजपा का मुख्यमंत्री बने, इस पर हम सबको मेहनत करना और इसी के लिए 2 साल का समय आप सबसे मांगता हूँ। आप सब यह 2 साल का समय भाजपा के बूथ और पन्ना प्रभारी बनाने में ईमानदारी से देंगे। केवल हम सब अपना अपना बूथ पर 70% वोट गिरवा दें, चुनाव अपने आप निकल जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सांसद तो आप हमेशा 100% दिए हैं, इस बार विधायक भी 90% देना है, इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।